मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे महाराष्ट्र में रखा जाए, यूपी में मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। भड़काऊ बयान देने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किए गए गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई की बांद्रा कोर्ट में गुरुवार को पेशी के लिए पहुंचे कफील खान ने कहा कि मुझे गोरखपुर के बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी, अब मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बांद्रा कोर्ट में डॉक्टर कफील खान ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। बीआरडी के 70 बच्चों को जो मारा गया है उसमें क्या आप मुझे क्लीन चिट मिल गई है, उसी के लिए मुझे दोबारा फंसाया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे महाराष्ट्र में ही रखा जाए, यूपी में मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। निवेदन करूंगा कि मुझे महाराष्ट्र में ही रखा जाए, यूपी में मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। कफील खान के वकील ने कोर्ट में आशंका जताई कि यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश ले जाने के दौरान रास्ते में कफील खान का एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए ट्रांजिट रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। इफ ड्यू परमिशन, आपकी परमिशन लेके मैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और साहब ने मुझे परमिशन दिया और मैंने उन्हें रिप्रेजेंट किया। तो क्या हुआ कोर्ट में? वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जो बच्चों का हादसा हुआ था, जो बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें उनको हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट मिलने के बाद उनको 10 टॉप प्रेडेटेशन में उनका नाम दिया गया है, जिसमें कि उनको कुछ अवार्ड वगैरह मिलने वाला है, तो उनकी रेपुटेशन और कुछ लोगों के नाम ओपन ना हो जाए इस उस डेथ से रिलेटेड, इसलिए इस तरह का ये झूठा केस बना के उनके भाषण को लेके उनको अरेस्ट किया जा रहा है लखनऊ अलीगढ़ पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस से। और यूपी ले जाते समय उनको ये डर लग रहा था कि बाकी जो पॉलिटिशियन या जो भी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, जिनको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, कोर्ट में भी नहीं बताया, वो हो सकता है उनका एनकाउंटर करवा दे। तो उनका कहना यह था कि मेरी जान को खतरा है। कफील के भाई ने एसटीएफ के गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए हैं, हालांकि उनका कहना है कि न्याय प्रणाली पर उनको पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि ये बीआरडी कांड में जो राजनीति के थ्रू डॉक्टर कफील को उस वक्त फंसाया गया, उसी में डॉक्टर कफील को पुलिस के तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई, हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, सारे चार्जेस हट गए, और इवन हिमांशु कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया उन्होंने भी सारे चार्जेस से बरी कर दिया, एक्सेप्ट प्राइवेट प्रैक्टिस का, वो भी 8 अगस्त से पहले का उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी जो है वो जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रही है, ये उसी बीआरडी एपिसोड से और एक तरह से राजनीति से प्रेरित लग रही है। एफआईआर की कॉपी भी हमको मीडिया के थ्रू मिली हुई है, वो अब हमको जो जुडिशियल प्रोसेस है, हमको न्याय पे भरोसा है। इससे पहले भी कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दिया था बीआरडी के इंसिडेंट में, तो हम जो है अपना एडवोकेट से बात करके अलीगढ़ में जो लीगल प्रोसेस है उसको जो है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं अलीगढ़ लेके आएंगे, तो ये मीडिया से पता चला है, तो हम अलीगढ़ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे एडवोकेट से कंसल्ट करके लीगल प्रोसेस जो होगा वो है, हमें न्याय पे भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। कफील खान ने यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, इसलिए उसे महाराष्ट्र में ही रखा जाना चाहिए। हालांकि बांद्रा कोर्ट ने कफील को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। कफील खान को यूपीएसटीएफ ने हिरासत में लिया था। बता दें कि डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ बयान देने का आरोप है। पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बयान देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। हालांकि कफील को गिरफ्तार करने के लिए यूपीएसटीएफ लगाए जाने पर सवाल उठा रहे थे, तो इसका जवाब देते हुए यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि डॉक्टर कफील खान को हेट स्पीच की वजह से गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, हम लोग लंबे समय से उनको ट्रैक कर रहे थे, एसटीएफ को यह काम दिया गया था। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे महाराष्ट्र में ही रखा जाए, यूपी में मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है।